दोस्तों आपका स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi 9 Prime, जो हमने ऑनलाइन शॉपिंग करके अमेजन से मंगाया हुआ है वो ये फोन है। तो पैकेजिंग ठीक ठाक ही है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मुनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल मुनू राजीपुर चैनल। दोस्तों पैकेज तो ठीक ठाक ही है, फट पन्नी कहीं से भी ब्रेक नहीं है, तो अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर Redmi 9 Prime फोन है, मगर इसके साथ में वे बिल वगैरह लगता है नहीं दिया है इन्होंने बिल। तो चलिए इसे की अनबॉक्सिंग करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए सील तो ब्रेक नहीं लग रही है। तो अभी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बता दें। दोस्तों इसमें MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर लगा हुआ है और इसमें चार कैमरे हैं, यहाँ पर 13+8+5+2 मेगापिक्सल कैमरा और इसमें 5020mAh की बैटरी और फ्रंट का इसमें जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और इसमें FHD+ नॉच है। तो ये चीज़ है और ये 4GB रैम और 64GB वेरिएंट है। तो अभी इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये ओपन हो चुका है इस तरह से, और इसे सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फोन रखा हुआ है, इसमें उससे पहले हम इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर दोस्तों सिम इंजेक्शन पिन और ये एक ये वारंटी कार्ड वगैरह जो कुछ है इसमें, और ये यूजर मैनुअल है। तो यहाँ पर मैं केस को दिखा देता हूँ, ये एक सॉफ्ट केस है जो सिलिकॉन का है, तो इसे भी साइड में रखते हैं। और अभी फोन को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सनराइज कलर में है, तो इसका कलर कुछ इस तरह से आपको दिखाई दिखेगा। ये फोन है, इसे भी अभी साइड में रखते हैं और बॉक्स में देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्स में एक चार्जर है, 10 वाट तक का चार्जर है, और ये एक USB Type-C केबल है। हाँ दोस्तों Type-C केबल है इसमें, तो इसे भी अभी साइड में रखते हैं और हम फोन मेन फोन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये फोन है, हमें इसे ऑन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हल्का सा वाइब्रेट आया और फोन बूट मोड में चला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें इसमें ये स्पीकर ग्रिल, Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन और ये गुरुजी के प्यारे दुलारे, और इधर साइड में Dual+ डेडिकेटेड ST स्लॉट है, और बैक में कैमरे, जो यहाँ पर सर्कल में ये डिजाइन है जो काफी बढ़िया लग रहा है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर AIR ब्लास्टर और ये सेकेंडरी माइक्रोफोन है, तो काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर फोन बूट हो रहा है, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये। तो दोस्तों अभी फोन का पूरा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है और आपको दिखाते हैं कि ये इसमें मतलब क्या हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फिंगरप्रिंट से मैंने खोला, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर अबाउट फोन में चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो इसका MIUI ग्लोबल वेरिएंट है MIUI 11 पर है, और इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो एंड्रॉयड 10 पर है। अभी इसमें 11 का अपडेट नहीं आया है, तो ये चीज़ बढ़िया है कि इसमें अपडेट मिल चुका है। और यहाँ पर स्पेसेस में चलते हैं तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटीज़ की जो है 5/8/2020 की अपडेट है, और इसमें रैम 4GB है और 64GB इंटरनल जो है इसकी स्टोरेज है। तो यहाँ पर भी देखते हैं स्टोरेज में हमको कितनी मिली है। तो यहाँ पर इतनी अभी अवेलेबल है और बाकी भरी हुई है, कुछ सेटअप अभी रह गया तो हम सिम डालकर उसे भी कम्प्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी बात करते हैं इसकी जो है फिंगरप्रिंट अनलॉक की। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मतलब जस्ट कुछ सेकंड भी नहीं लगते और तुरंत ओपन हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट कह सकते हैं काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है। ये देखिए डन का ऑप्शन आ चुका है, और इसे हम जैसे ऊपर करें फोन ऑन, फिर से देखते हैं, फिर से डन का ऑप्शन आ गया तुरंत ही। तो फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट ही काम कर रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। इसका प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है जो इस फ़ोन के लिए, और इसकी बिग डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बढ़िया है। आपको कैमरा सैंपल भी दिखाते हैं, मगर
अभी जो है यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हम वीडियो रात में शूट कर रहे हैं, इसीलिए नहीं। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फ़ोन का गिव अवे करूँ तो आप कमेंट करें हमें बताएं, अगर मुझे लगेगा कि इसका गिव अवे करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।